Assalamu alaikum. Let's discuss accounting for animals and plants. IAS 41. Teen words hain, biological assets, agriculture produce, aur teesra hai inventory. What is biological asset? A living plant or animal. Koi bhi zinda, janwar ya plant. Agriculture produce kya hai? Uska phal, uska samar. Achha ji. Assume karein ki mere paas ek bahut pyari si cow hai. Zara socha main ek cow ko pyar kar raha hu. Main ek bahut pyari si cow. Ye zinda cow, biological asset. Iske andar milk hai. Wo uska phal hai. That is agriculture produce. Aur jaise hi wo milk us cow se bahar niklega, wo IS2 inventory mein shumar ho jayega. Second example. Mere paas ek pyari si goat hai, bakri. Bakra ya bakri, biological asset. उसका जो मीट है उसका गोश्त वो हमारा फल है हम खाते हैं मैं तो बहुत बड़ा गोश्त खोर हूँ तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और जैसे ही मैंने उस बकरे को लिटाया हलाल किया अब जो उसका गोश्त पैक होगा वो सब IS2 इन्वेंटरी है थर्ड एग्जांपल एक दरख्त बायोलॉजिकल एसेट उस पर जो फल लगे हुए हैं वो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेकिन जैसे ही वो फल कट के ज़मीन पर गिरेगा वो इन्वेंटरी IS2 अच्छा असूल ये है कि बायोलॉजिकल एसेट्स पर जिंदगी भर IS 41 अप्लाई होता है जबकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर IS 41 उस वक्त तक अप्लाई होता है जब तक वो बायोलॉजिकल एसिड से जुड़ा हुआ है नथी है जैसे ही वो बायोलॉजिकल एसिड से कट के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जमीन पे गिरेगा हटेगा आज के बाद IS 2 इन्वेंटरी अप्लाई हो जाएगा अब इस स्टैंडर्ड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि IS 41 किन एक्टिविटीज पर अप्लाई होता है लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल मैं स्कोप वर्ड यूज करूंगा प्रिंसिपल ये कहता है कि IS 41 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट हो रही हो फॉर नंबर वन सेल पहली चीज़ सेल बेचने की नीयत से इनटू एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट यानी ब्रीडिंग वगैरह के लिए नस्ल बढ़ाने के लिए अगर इनमें से किसी एक मकसद के लिए भी आप बायोलॉजिकल एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं तो IS 41 अप्लाई होगा फर्स्ट केस कल्टिवेशन मेरा काम क्या है ज़मीन पर बीज बोता हूँ और कल्टीवेशन फसलें उगाता हूँ और एंड में वो फसल को काट के बेच देता हूँ IS 41 अप्लाई होगा बिल्कुल होगा स्कोप चेक करें मैनेजमेंट कर रहा हूँ बायोलॉजिकल एसेट्स की फॉर रीसेल कट के सारा बेच दूंगा IS 41 अप्लाई होगा सेकंड एग्जांपल ओशन फिशिंग क्या है मेरे पास एक बोट है मैं बोट चला के समंदर के बीच में जाता हूँ और वहाँ डीप सी में जाके मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ अच्छा मछली जैसे ही पकड़ी जाती है आपने देखा ये निकल के 30 सेकंड में मर गई डब्बे में डाल दी फिर मछली निकाली 30 सेकंड में मर गई डब्बे में डाल दी तो मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ और पकड़ते ही वो मर जाती हैं याद रखना और फिर जाके मैं उसको जाके नॉर्मल जगह जाके सेल कर देता हूँ क्या IS 40 में अप्लाई होगा जवाब नो दलील ये है कि मैं बायोलॉजिकल एसेट में डील ही नहीं कर रहा बायोलॉजिकल एसेट का मतलब लिविंग जिंदा प्लांट और एनिमल जबकि मेरा तो बिजनेस मैं समंदर से मछली निकालता हूँ और वो 30 सेकंड में मर जाती है तो मेरा तो कारोबार का धंधे का आगाज़ ही मरी हुई मछली से हो रहा है तो मैं तो बायोलॉजिकल एसेट में डील ही नहीं कर रहा इस बार ज़रा सोचें तो IS 41 अप्लाई नहीं होगा लेकिन इसके बरक्स एक और काम है जिसका नाम है फिश फार्मिंग सर व्हाट इज़ फिश फार्मिंग मैं डीप सी में जाता हूँ और वहाँ से समंदर से मछलियाँ पकड़ता हूँ और मछली को निकालते ही मैं एक पानी के टब में डाल देता हूँ राइट और यानी जिंदा मछली यहाँ से निकाला और जिंदा मछलियाँ पकड़ी जिंदा रखा और फिर अब मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है उस प्लॉट में होल है और वहाँ मैंने पानी डाला हुआ है मेडिकेटेड वाटर डॉक्टर्स रखे हुए अच्छी ग़िज़ा देता हूँ तो छोटी छोटी मछलियाँ वहाँ जाके डालता हूँ उन मछलियों को फिर बड़ी बड़ी फिशेस में कन्वर्ट करके फिर बेचता हूँ यस दिस टाइम आई एम मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल IS 41 अप्लाई होगा थर्ड एग्जाम्पल आप सब ने देखी भी होगी अपनी लाइफ में डिफरेंट कंट्रीज़ में सिंगापुर में मलेशिया में US में तो बहुत है कि सी फूड के ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम होता है या लॉबस्टर्स का और इस तरह का एक्वेरियम होता है और ज़िंदा फिशेज उसमें घूम रही होती हैं अब कस्टमर आता है तो कस्टमर को वो दिखाते हैं आपको कौन सी फिश पसंद है तो आप बोलते हो वो मछली अच्छी लग रही है तो एक रॉड होता है जिसमें करंट होता है और वो रॉड उस फिश को जाके लगता है वो फिश उसी मर जाती है वो उस फिश को निकालते हैं कट करके आपको कुक करके खिला देते हैं सवाल क्या इस एक्टिविटी पर IS 41 अप्लाई होगा जी प्रिंसिपल से पूछें बिल्कुल अप्लाई होगा क्यों दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट फॉर रीसेल यस IS 41 अप्लाई होगा आइए थोड़ी डिस्कशन एनिमल्स पे बकरा ईद आने वाली है कुछ अरसे में आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग छोटी छोटी बकरियाँ खरीदते हैं और उसको मैनेज करते हैं पालते हैं अच्छी ग़िज़ा देते हैं फार्म में रखते हैं और वो जब बड़ी बड़ी बकरियाँ हो जाती हैं तो उसको बकरा ईद पर बेच देते हैं IS 41 अप्लाई होगा यस दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट फॉर स्कोप से जो सेल के लिए यस IS 41 अप्लाई होगा सेकंड एग्जांपल हमने जानवर देखे हैं जू में
और बर्ड पार्क में हमने बहुत जानवर देखे, हाँ क्या जू और बर्ड पार्क के एनिमल्स पे आईएस 41 अप्लाई होगा? जवाब नो, और नो भी दलील के साथ। कैसे? हम बायोलॉजिकल एसेट्स को जू में मैनेज करते हैं, यस करते हैं, लेकिन क्या उन तीन में से एक मकसद के लिए कर रहे हैं? नहीं, ना जू वाले जानवरों को बेचते हैं, ना उनका मकसद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, और ना ही उनका मकसद नस्ल बढ़ाना होता है। वो सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले करके पैसा कमाते हैं, तो ये एक फंक्शन है। तो जू के एनिमल्स पे और बर्ड पार्क के एनिमल्स पे आईएस 16 अप्लाई होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डॉग्स। भाई जो डॉग्स मैरियट शेरिटन आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, जो डॉग्स होते हैं सिक्योरिटी डॉग्स, या वो घोड़ा गाड़ी वाले जिनके पास हॉर्स कार्ट वगैरह, वो घोड़े, उन पे कौन सा आईएस अप्लाई होता है? सवाल। सिक्योरिटी डॉग्स को हम मैनेज कर रहे हैं, यस वी आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट, लेकिन क्या उन तीन में से किसी मकसद के लिए कर रहे हैं? नहीं, ना सेल के लिए कर रहे हैं, ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारा मकसद है, ना नस्ल बढ़ाना हमारा मकसद है। तो वंस अगेन सिक्योरिटी डॉग्स पे भी आईएस 16 अप्लाई होगा। और आगे बढ़ते हैं, ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो प्लांट वगैरह ग्रो करती हैं ताकि उन प्लांट से जड़ी बूटियां वगैरह बनाएं और फिर उससे ड्रग्स बना के बेचें, आईएस 41 अप्लाई होगा? यस बिल्कुल, क्योंकि वो प्लांट को यानी बायोलॉजिकल एसेट को मैनेज कर रहे हैं फॉर सेल, यस आईएस 41 अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ज्वेलरी मेकर्स। दुनिया में ऐसे ज्वेलरी मेकर्स हैं जो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, शेल्स वगैरह को ग्रो करते हैं ताकि बाद में उन प्लांट्स से ज्वेलरीज बनाएं, यस आईएस 41 अप्लाई होगा। दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल, बिल्कुल अप्लाई होगा। डेरी फार्म गाय भैंसें रखी हुई होती हैं और उनको मैनेज करते हैं, फिर उससे मिल्क निकालते हैं, उससे मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध बना के सेल करते हैं, आईएस 41 अप्लाई होगा। दे आर मैनेजिंग बायोलॉजिकल एसेट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनके फल के साथ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक लास्ट एग्जांपल, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, और ये हमारे एसीसी के एक पास्ट पेपर में आई थी, वुड यार्ड। एक बंदा है, सुबह उठता है, जंगल जाता है, और जंगल जाके वो वुड को कट करता है और वो सारी वुड जमा करता है और ला के अपने स्टोर रूम में रख देता है और बाद में उसको बेच देता है। क्या आईएस 41 अप्लाई होगा? जवाब नो। बच्चे ने कहा क्यों? मैंने कहा ज़रा सोचें, इसके बिज़नेस को स्टडी करें और इसकी बिज़नेस की इब्तिदा कैसे हो रही है। इसकी बिज़नेस की इब्तिदा मरी हुई वुड से हो रही है, यानी वो जाके लकड़ी को काटता है, यहीं से तो बिज़नेस शुरू होता है, और लकड़ी जैसे ही कटती है दरख्त से वो मुर्दा वुड हो जाती है। तो जब मुर्दा वुड से काम शुरू कर रहा है तो वो तो बायोलॉजिकल एसेट में डील ही नहीं कर रहा, तो यहाँ आईएस 41 अप्लाई नहीं होगा। आई होप यू गॉट द गेम। थैंक यू।